नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जीके वन लाइनर पार्ट फोर। जीके वन लाइनर पार्ट फोर 1000 की जो मैंने सीरीज चलाई हुई है, इसके तीन पार्ट में पहले लेके आ चुका हूँ। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे वो जरूर देखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2018 में जितने भी पेपर होने वाले हैं कॉम्पिटिशन के, मैं श्योरिटी है कि उनमें से बहुत ज्यादा आएंगे। तो जिन जिन्होंने मेरे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की लिंक देखनी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्ट फोर के, जो जीके वन लाइनर मैंने सीरीज बनाई है उसको पढ़ते हैं आगे। 151 से शुरू करें। कॉमन साल्ट केमिकल फॉर्मूला, कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज फॉर फ्लशिंग पोटैटो चिप्स पैकेट। जो ये चिप्स के पैकेट होते हैं उनको फ्लश करने के लिए कौन सा, मीन्स उनको सही रखने के लिए कौन सी गैस का हम यूज करते हैं? तो उनके अंदर जो गैस देखते हैं हम, वो होती है नाइट्रोजन। तो रोजर फेडरर बिलोंग्स टू, रोजर फेडरर फेमस फुटबॉलर है, आपको पता भी है? नो सॉरी, रोजर फेडरर फेमस है, जानते हैं। इनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स हैं। और ये किस, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्विट्जरलैंड से। इनका रैंक अगर बताया जाए तो इनका रैंक है सेकेंड रैंक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपके लिए, वह हबल स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग्स टू विच कंट्री? जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? यूएसए से। नेक्स्ट, जो अभी आपको पता भी है, अभी जनवरी की बात करें तो एक ही दिन में आपने सुना होगा 3 रंग के मून दिखाई दे, तो उनमें ब्लू मून, रेड मून की जो बात हुई थी, तो वो ब्लू मून होता क्या? व्हाट इज ब्लू मून? तो ब्लू मून है, इट इज एन एडिशनल फुल मून दैट अपीयर्स इन अ सब डिविजन ऑफ अ ईयर। तो अगर मैं शुद्ध मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो अगर एक ही मंथ के अंदर 2 बार फुल मून आ जाए तो उसको क्या कह देंगे हम? ब्लू मून। एक ही मंथ के अंदर अगर 2 बार फुल मून आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लू मून। आगे बढ़ते, आगे कह रहा है, प्रेजेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है इंडिया का, इस समय प्रेजेंट कौन है? सुरेश प्रभु। ये इसलिए लेके आया हूं मैं क्योंकि सुरेश प्रभु हमारे रिसेंटली रेलवे के एग्जाम भी हो रहे हैं, और रेलवे के एग्जाम में हेल्पफुल है। आपको पता है कि ये रेलवे मिनिस्टर थे, अब रेलवे मिनिस्टर अब ये नहीं है। 3 सितंबर 2017 से सुरेश प्रभु कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिए गए। अब क्वेश्चन उठता है, तो इस समय रेलवे के मिनिस्टर कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। इस समय रेलवे के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और ये 39th है, ये 39th रेलवे के मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, अ बॉडी विच इज कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड। एक बॉडी या तो पूरी की पूरी या आधी अगर हम किसी फ्लूइड में, लिक्विड में सबमर्ज कर देते हैं, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? उसका नाम है बायोन फोर्स। बायोन फोर्स किससे रिलेटेड है? इनसे रिलेटेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं उसे। विच इज इजिप्ट लार्जेस्ट पिरामिड? इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो है वो है मोमा दास इज रिलेटेड टू, मोमा दास किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन टू स्पेस। आप पहले, मैं अपनी वीडियोस में ला चुका हूँ कि पहला जो ह्यूमन, जो डॉग था, पहला डॉग जो ह्यूमन में वो स्पेस में गया था, तो उसका नाम क्या था? मैं पहले अपनी वीडियोस में ला चुका, अब मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन टू स्पेस। स्पेस में पहले ह्यूमन कौन थे? वो थी यूरी गैगरिन। फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में गई थी वो थी यूरी गैगरिन। थे कहाँ के? ये सोवियत के पायलट थे, एक मीन्स रशिया के पायलट थे, कॉस्मोनॉट भी कहते हैं। और जो जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे उनका नाम था वोस्टोक स्पेस क्राफ्ट। और ये गए थे 12 अप्रैल 1961 में, 12 अप्रैल 1961 में योगी गैगरिन स्पेस में गए थे। नेक्स्ट जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने नाम भी बहुत सुना होगा, फेमस फुटबॉलर है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट है इनके लिए, है ये कि किस क्लब के लिए खेलते हैं? ये एक स्पेनिश क्लब है जिसका नाम है रियल मैड्रिड। ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, रियल मैड्रिड। और इनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में 7 गोल इनके नाम पे रिकॉर्ड है, 7 गोल।
नेक्स्ट जो है, विच कंट्री हैज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बताने की जरूरत नहीं है, कौन से देश का सबसे बड़ा संविधान है, तो वो है इंडिया। शशांक सुब्रमण्यम बहुत फेमस फ्लूट वादक है, इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बेम्बू फ्लूट। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे ये जो मैं लेके आया हूँ ये कुछ तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे हैं वो भी है, और जब उनको बनाते वक्त प्रीवियस के क्वेश्चन लिखते वक्त मुझे लगा कि ये चीज भी होनी चाहिए, तो वो चीज भी मैंने कवर अप की है, इसी करके ये टोटल कुल मिला के बन गई 1000। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वो है पास्तोधारी। और जो ये मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये उस समय कोई इवेंट हुआ होता है करंट न्यूज में, तो उसी इवेंट से रिलेटेड बन जाते हैं। तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पास्तो या धारी। अगर मैं पूछूं आपसे कैपिटल क्या है पाकिस्तान की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं पाकिस्तान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट आपको मैं करंसी बता देता हूँ, करंसी क्या है अफगानिस्तान की, अफगान अफगानी। और आपसे एक क्वेश्चन और है क्योंकि अभी न्यूज में भी था रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले, कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो कौन है, जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कनाडा फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप क्या है, मोस्ट। अब ये मोस्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो ब्रायबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स, माइक्रो ब्रायबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फॉर्म हुआ था स्पेस में 30 जून 2003 में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन बताए तो ये फर्स्ट कैनेडियन साइंटिफिक सैटेलाइट थी, और ये लॉन्च की गई थी कॉस्मोड्रोम पैलेस टस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, केमिस्ट्री का है, पेपरों में कई बार आया, गोल्ड इज सोल्यूबल इन, गोल्ड किसमें सोल्यूबल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी से पेपर बहुत बनता है, तो गोल्ड किसमें सोल्यूबल है, एक्वारिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है ललिता बाबर रिलेटेड टू स्पोर्ट, ललिता बाबर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो वो है एथलीट से, एथलेटिक्स, ललिता बाबर इज रिलेटेड टू एथलेटिक्स। और ये कौन सी रनर है, ये तो किसमें ज्यादातर कंपीट करती हैं, तो वो है 3000 मीटर स्टीपल चेज, ये उसमें ज्यादा कंपीट करती है। और कहां से बिलोंग करती है ललिता बाबर, महाराष्ट्र से। फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स थी मैरी कॉम, और पिछले वीडियो में मैंने ये भी कवर अप किया था, मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती थी, ये करती है हमारे मणिपुर से। ब्लू रे डिस्क रेफर टू, जो ब्लू रे डिस्क है वो किससे रेफर करती है, स्टोरेज डिस्क से। क्वेश्चन है व्हाट इज डिसैलिनेशन, व्हाट इज डिसैलिनेशन, एक डिसैलिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व साल्ट फ्रॉम वाटर टू प्रोड्यूस फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर, कि जब हमें सी वाटर से सॉल्ट निकाल लेते ताकि हमें क्या मिल जाए, फ्रेश वाटर, उसी को डिसेलिनेशन कहते हैं। ये न्यूज में अभी आपको पता हो कि इटली के वो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक गिफ्ट भी दिया था, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इस करके ये मैंने बनाया। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, आसान सा सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड करती है, वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं पिछली वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे कि आईसीसी का पुराना नाम क्या है, आईसीसी का पुराना नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस, हमने फर्स्ट ह्यूमन देख लिया, अब हम देख रहे हैं हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस, ये आप सभी को पता है, राकेश शर्मा। नेक्स्ट है वेयर इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, यह है अबू धाबी में। अगर पूरा हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है मैसदर सिटी ऑफ यूएई। इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो यह फॉर्म हुआ था 26 जनवरी 2009, 26 जनवरी 2009 में यह फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैसदर सिटी यूएई अबू धाबी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, सुप्रीम कोर्ट किस साल किस सन में बना था, वो था 1950 में। हु इज द प्रेडिसर ऑफ सत्या नडेला एज अ सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि करंट सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, करंट सीईओ
माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सत्य नडेला से पहले, जिस समय सत्य नडेला ने चार्ज लिया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का, तो उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे स्टीव बाल्मर। स्टीव बाल्मर के बाद बने थे सत्य नडेला, ये इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे अर्जुना अवार्ड 2017 इन कबड्डी। कबड्डी में जो अर्जुना अवार्ड दिया गया 2017 में किसको दिया गया है? ये क्वेश्चन कबड्डी से रिलेटेड बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस साल मिला है जसवीर सिंह को। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे फुल फॉर्म ऑफ सीटी इन सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में जो ये सीटी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर टू शॉर्ट पीरियड्स। उन दो छोटे पीरियड के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का? जब डेथ हुई थी जवाहरलाल नेहरू की 1964 और लाल बहादुर शास्त्री की 1966, उस समय एक प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के दो शॉर्ट पीरियड के लिए, वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट आपके लिए सीईसी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सीईसी स्टैंड फॉर, सीईसी स्टैंड करता है चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन, तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है मिस्टर ओम प्रकाश रावत। इन्होंने, ये है मिस्टर ओम प्रकाश रावत, और इन्होंने किससे ये वो लिया, जो रिटायर हुए अभी अभी, वो है एके ज्योति। इनसे पहले थे एके ज्योति और अब बन गए मिस्टर ओम प्रकाश रावत, और ये पहले थे चीफ, जो मिस्टर ओम प्रकाश रावत थे वो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनकी स्पेस जो खाली हुई तो उनकी जगह कौन आए? अशोक लवासा, जो इंपॉर्टेंट रखते हैं इलेक्शन कमिश्नर। अगर आपसे पूछ ले जाए इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना है, कितने सालों के लिए होते हैं? 6 ईयर के लिए, लेकिन अगर 65 ईयर की एज उनकी उससे 6 ईयर से पहले हो जाए तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे पाकिस्तान कैपिटल। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। विच इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ 89th ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड से हर साल एक कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आए, तो 89th ऑस्कर अवार्ड की बेस्ट पिक्चर कौन सी थी? मूनलाइट। और बात की जाए 88th ऑस्कर अवार्ड की, तो वो थी स्पॉटलाइट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हु लेड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह किसने लेड किया था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपके लिए फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल क्या है बांग्लादेश की, तो ढाका। फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वुमेन जो कॉस्मोनॉट थी, जो स्पेस में ट्रेवल करी थी, वो कौन थी? वो थी वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। ये भी रशिया सोवियत की थी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मक्का लोकेटेड इन। मक्का कहाँ पे लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया में। आपको पता भी है ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? अभी हज सब्सिडी से रिलेटेड मुद्दा उठा था, तो मक्का से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मक्का इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे मेन रॉ मटेरियल इन ग्लास। ग्लास का मेन रॉ मटेरियल क्या है? सिलिका। नेक्स्ट सुमित्रा महाजन इस समय जो क्या है स्पीकर, रिप्रेजेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुमित्रा महाजन आती है? वो आती है इंदौर से। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे है वो चेरा डायनेस्टी रूल। जो चेरा डायनेस्टी रूल किया था वो कहाँ पे किया था उन्होंने, कि विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो ऑप्शन है केरला और तमिलनाडु। नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? फरवरी 4 में। 4th फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मानते हैं। SBI प्रीवियस नेम, SBI आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रीवियस नेम है वो क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अभी इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि SBI के चेयरपर्सन कौन है, अभी कवर अप करेंगे हम। प्लूटो डिस्कवर्ड इन द ईयर, प्लूटो कौन से साल में डिस्कवर हुआ था? क्या प्लूटो अभी भी प्लेनेट है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर अप भी किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। प्लूटो डिस्कवर्ड इन द ईयर 2006। प्लूटो डिस्कवर हुआ था 2006 में। जहांगीर, वो जहांगीर कौन था? एक मुगल एम्परर थे। कौन से मुगल एम्परर थे? 4th मुगल एम्परर। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे ब्लैक सोइल आल्सो कार्ड। ब्लैक सोइल को हम एक और नाम से जानते हैं इंडिया में, जिसको कहते हैं इंडियन रेगूर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, तो पहले कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य, और अब है रजनीश कुमार। तो इससे कंफ्यूज मत होना, इस समय चेयरपर्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार। नेम ऑफ द ईमेल इन्वेंटर, ईमेल का इन्वेंशन किसने की थी? शिवा अयादुराई। नेक्स्ट, भोपाल के अंदर एक गैस ट्रेजिडी हुई थी, बहुत बड़ी गैस ट्रेजिडी है,
जिसके अंदर बहुत से लोग मर गए थे, तो वो गैस ट्रेजेडी किस गैस के एक्सपोज होने के कारण हुई थी? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन ऐसे सीएचएसएल और सीजीएल वालों का फेवरेट रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट है आपका राज तरंगिनी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राज तरंगिनी कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर से रिलेटेड है क्या ये 12th सेंचुरी की एक बुक है जिसके ऑथर थे कल्हान। 12th सेंचुरी की एक बुक है ये जिसके ऑथर थे कल्हान। इसमें राजा जो वर्ड आ रहा है इससे याद कर लेना, ये राजा से के बारे में लिखती थी, जो उस समय के राजा हुए थे उनकी पूरी हिस्ट्री में मिल जाएगी संस्कृत की बुक। और इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं पूरे बुक का नाम राज तरंगिणी का रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। तो मैं बार बार संस्कृत कह रहा हूँ, तो इसकी लैंग्वेज भी क्या थी? संस्कृत। तो इसमें जो ये तरंगिणी लिखा हुआ है, ये तरंगिणी का मतलब है वेव्स, यानी कि इसमें 8 बुक्स थे, 8 तरंग थे, ये 8 भागों में बटी हुई थी, 8 बुकों में, जिसको कहा था तरंग वेव्स। और लिखी कब गई थी? 12th सेंचुरी 1148 में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे विच कंट्री बॉर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस कंट्री ने जीता है? ब्राजील ने। और सिंपल क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फोर्स फिजिक्स का क्वेश्चन है न्यूटन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट जीके वन लाइनर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।